कई बार क्या होता है कि कॉमनली जैसे किसी को शोल्डर में पेन हो रहा है, आपको लग रहा है कि आपको हाथ उठाने में दिक्कत हो रही है, आपका हाथ नहीं उठ रहा, या फिर रात को आपको बहुत सीवियर पेन हो रहा है शोल्डर के अंदर, आप सो नहीं पा रहे, तो हो सकता है आपको एक फ्रोजन शोल्डर हो। तो आज अपन बात करेंगे अबाउट द फ्रोजन शोल्डर, कि फ्रोजन शोल्डर होता क्या है। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर अरविंद जागा, कंसल्टेंट फिजियोथेरापिस्ट। आज अपन बात करेंगे अबाउट द फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करेंगे शोल्डर जॉइंट की। शोल्डर जॉइंट बेसिकली थ्री बोन से मिलकर बना होता है। दैट इज द फर्स्ट वन इज द अपर आर्म, सेकेंड वन इज द स्कैपुला की अपनी स्कैपुला होती है, इसका कैविटी होती है। थर्ड वन इज द दिस इज द कॉलर बोन। ये थ्री बोन्स मिलकर एक शोल्डर जॉइंट को बनाती है, और शोल्डर जॉइंट को जो इनकी बोन्स को जो कनेक्टिव पकड़ के रखता है, दैट इज द कैप्सूल्स। तो फ्रोजन शोल्डर में होता क्या है कि जो एक कैप्सूल्स होता है कि वो टाइट हो जाता है, थिक हो जाता है, इसलिए वो जॉइंट आपका फ्रीज हो जाता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं फ्रोजन शोल्डर। अब फ्रोजन शोल्डर के अपन कारण जानते हैं कि फ्रोजन शोल्डर के कारण क्या क्या होते हैं। फ्रोजन शोल्डर के मुख्यतः कारण, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं, ये बहुत कॉमनली पाया जाता है जिनको कि डायबिटीज़ होता है, शुगर होता है, इसलिए उसको अपन बोलते हैं डायबिटिक फ्रोजन शोल्डर। सेकेंड, जैसे मान लो कि किसी को आपको मसल इंजरी हो गई, मसल इंजरी आपको खेलते टाइम भी हो सकती है या किसी चीज़ के डायरेक्ट हिट करने से भी हो सकता है, तो ये रोटेटर कफ मसल्स होती है, तो वो मसल्स इंजर्ड हो जाती है, तो उसमें क्या होता है कि पेशेंट अपने आर्म को इमोबिलाइज रखता है, उठाता नहीं, तो इसके कारण भी वो फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। थर्ड वन है, अगर कोई फ्रैक्चर हो गया, आपके यहाँ पे बोन पे फ्रैक्चर हो गया, तो उसके कारण भी आपका स्टिक हो सकता है। नेक्स्ट फोर्थ वन है, जब कोई सर्जरी, किसी भी तरह की सर्जरी है जो कि शोल्डर के आसपास होती है, तो उसके कारण भी आपका शोल्डर जॉइंट आपका फ्रीज हो सकता है। नाउ अपन बात करेंगे सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या होता है फ्रोजन शोल्डर का? फ्रोजन शोल्डर के अंदर स्टार्टिंग के अंदर डल एकिंग पेन होता है, और वो धीरे 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 वर्स हो जाता है, और इसमें स्टार्टिंग के अंदर पेन शोल्डर से होकर फिर नीचे, कई बार नीचे रेडिएट करता है। समटाइम्स फ्रोजन शोल्डर के कारण सर्वाइकल इश्यू भी हो जाता है, बिकॉज शोल्डर जॉइंट के अंदर जो मसल्स होती है ऊपर सर्वाइकल से आती है, तो ये फ्रीज होने के कारण ये पूरा ट्रपेजियस से लेकर नेक तक भी अपने को ये हो जाता है। फ्रोजन शोल्डर की अपन बात करते हैं तो इसकी थ्री स्टेज होती है। फर्स्ट स्टेज होती है, दैट इज द फ्रीजिंग स्टेज, जो कि इनिशियल स्टेज होती है। इसमें पेशेंट को क्या होता है कि पेन होता है, वो किसी भी मूवमेंट करने पे, जो कुछ भी मूवमेंट करेगा तो उसको पेन होगा, और ये वो नाइट के अंदर थोड़ा सा वर्स हो जाता है, तो दैट इज द अर्ली स्टेज। उसको अपन एडेसिव कैप्सुलाइटिस भी बोलते हैं। तो इसमें कई बार क्या होता है कि पेशेंट की एंड रेंज जाके अटकती है, जैसे शोल्डर जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट की ये रेंज होती है 0 to 180 degrees। तो फर्स्ट स्टेज में कई बार पेशेंट को जैसे 90 डिग्री पर अटक गया है, फिर 120 डिग्री पर अटक गया, तो पूरा लास्ट एंड रेंज अटक जाती है और हाथ पीछे नहीं जाता। और इसमें होता क्या है कि सेकंड स्टेज होती है, दैट इज द फ्रोजन स्टेज। फ्रोजन स्टेज के अंदर आपका जो शोल्डर जॉइंट है वो कम्प्लीटली फ्रीज हो जाता है, आपका जो कैप्सूल है वो टाइट हो जाता है, तो इसमें पेशेंट्स अनेबल होता है हाथ उठाने में। उसके अंदर पेशेंट्स की कंप्लेन होती है कि कई बार वो अपने कॉम भी नहीं कर पाता है, अपने कपड़े चेंज नहीं कर पाता है, क्योंकि हाथ ही पीछे भी नहीं जाता उनका, पीछे नहीं जाता है, ऊपर नहीं जाता है, खाना खाने में भी उनको दिक्कत होती है, फ़ोन को यूज़ करने में भी दिक्कत, बिकॉज आपका कंधा आपका जाम हो चुका है, और वो बहुत सीवियर पेन होता है। तो ये सेकेंड स्टेज होती है। थर्ड स्टेज, दैट इज द थोविंग स्टेज। थोविंग स्टेज में क्या होता है कि ये मोस्ट कॉमनली 6 to 2 years तक होता है, तो 2 years के अंदर ये रिकवरी फेज होता है फ्रोजन शोल्डर की। तो इसमें धीरे धीरे रिकवर होना स्टार्ट हो जाता है, पेशेंट की धीरे धीरे रेंज अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, और उसका पेन भी कम हो जाता है। तो जो थोइंग स्टेज है, इट्स ए रिकवरी स्टेज ऑफ द फ्रोजन शोल्डर, इसलिए बोलते हैं कि जो फ्रोजन शोल्डर है 2 साल में ऑटोमेटिकली कंप्लीटली रिकवर हो जाता है। नाउ अपन बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में इसका जो ट्रीटमेंट है, दैट इज ओनली ना ओनली फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी बिकॉज आपका जो जॉइंट आपका स्टिफ हो गया, उसको ओपन करने के लिए अपने को फिजियोथेरेपी करनी होती है। फिजियोथेरेपी में अपन करते हैं एक्सरसाइज थेरेपी। एक्सरसाइज थेरेपी से जिससे कि अपने के जो जॉइंट स्टिफ हो गया, जॉइंट को ओपन करने के लिए अपन बहुत सारी एक्सरसाइज होती है जो अपन करते हैं। एक्सरसाइज का वीडियो अपन नेक्स्ट बनाएंगे फ्रोजन शोल्डर का, फ्रोजन शोल्डर में कौन कौन सी एक्सरसाइज की जाती है। तो अपन शोल्डर को और इसके अंदर मोबिलाइजेशन करना होता है इस फ्रोजन शोल्डर का। जब तक अगर आप रेंज पूरी नहीं आएगी, तो आपका इसमें पेन खत्म नहीं हो सकता, इसलिए इसको रेंज को ओपन करने के लिए, जो जाम हो चुका है उसको ओपन करने के लिए अपन शोल्डर का मोबिलाइजेशन करते हैं। मोबिलाइजेशन करते हैं, शोल्डर की रेंज आती है, तो फिर उसके कारण जो फिर मसल्स वीक हो जाती है, वीक मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपन स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करते हैं, सम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं। दीज आर द पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज थेरेपी। नेक्स्ट अपन इलेक्ट्रोथेरेपी, जिसमें हाईली एडवांस मशीन हम यूज़ करते हैं, लाइक लेजर, PEMF, ड्राई नीडलिंग, कपिंग, टेपिंग, इस तरह के टेक्निक हम यूज़ करते हैं फ्रोजन शोल्डर को ट्रीट करने के लिए।